नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रतापगढ़ में दारोगा की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां लखनऊ वाराणसी हाईवे स्थित एक होटल में जबरन शराब पीकर कर्मचारी से मारपीट की। इसके साथ ही दारोगा सीसीटीवी कैमरे को छत की तरफ घुमाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरदोई में थोड़ी ही बारिश के बाद पुरानी तहसील संडीला में नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। इसके बाद बारिश का पानी तहसील परिसर में बनी दुकानों और अधिवक्ताओं के चैंबर में घुस गया। अधिवक्ताओं के रखे तखत भी पानी में डूब गए। फिरोजाबाद के नगर पंचायत मक्खनपुर में अवैध तरीके से गांव में नाला खोद दिया गया है। वहीं ग्रामीणों के विरोध करने पर ईओ ने थाने में बंद करवाने की धमकी दी। गांव के बच्चे नाले से होते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं, इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हरदोई में डीएम और एसपी ने आगामी मुहर्रम और सावन महीने को देखते हुए कानून व्यवस्थाओं को लेकर ताजियेदारों के साथ बैठक की। इस दौरान जुलूस आदि के संबंध में जानकारी दी गई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में एक शख्स ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में छत पर सो रही गर्भवती महिला और उसके मासूम बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद में बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर एक युवक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी घनिष्ठ अर्पिता मुखर्जी को ईडी कार्यालय से ईएसआई अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। आपको बता दें कि कल ही पार्थ चटर्जी को पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्री पद से हटा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा और राज्य मंत्री जॉन बारदला के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षा समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि भी मौजूद रहे। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में 42वें दीक्षा समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को डिग्री प्रदान की। दिल्ली में दोनों सदनों से निलंबित सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 50 घंटे का धरना जारी रख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने राजस्थान में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 59 अलग अलग मामलों में अपराधी है। 59 अपराधों में विभाग खड़ा हुआ है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में खेला जाना है। भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था। इसके चलते उनके हौसले काफी बुलंद हैं। बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणवीर सिंह अपने न्यूड फोटोशूट के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन इसी बीच विद्या बालन ने उनका खुलकर सपोर्ट किया है। विद्या बालन ने कहा है कि इसमें क्या दिक्कत है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में वृद्धि का ऐलान किया है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की गई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माई भारत न्यूज।